The End of the Fucking World. 2018 का सबसे पॉपुलर Netflix का काफी ज्यादा एपिक शो और अब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि The End of the Fucking World सीजन 2 आने वाला है. And so, hello everyone, you're watching Cartoon Filler. Welcome to our series, Comic vs. TV series, and today we're going to talk about The End of the Fucking World. इस सीरीज में हम कॉमिक और टीवी सीरीज को कंपेयर करते हैं और आज हम कंपेयर करने वाले हैं द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड की कॉमिक और द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड के शो को. हम स्टार्ट करते हैं कुछ माइनर चेंजेस से. माइनर चेंज नंबर 1, द हैंड इंजरी. कॉमिक में जेम्स अपना हाथ एक सिंक गार्बेज में डालता है जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कट जाती हैं, जबकि शो में जेम्स अपना हाथ गर्म तेल में डालता है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है. माइनर चेंज नंबर 2, द पीडोफाइल. शो में जेम्स और एलिसा रेपिस्ट के घर जाने से पहले एक आदमी से मिलते हैं जो कि जेम्स को बाथरूम में मोलेस्ट करता है, लेकिन कॉमिक में जेम्स और एलिसा उस आदमी से रेपिस्ट के मर्डर के बाद मिलते हैं और मोलेस्टेशन बाथरूम में नहीं बल्कि गाड़ी में होती है. अब आते हैं मेजर चेंजेस. मेजर चेंज नंबर 1, हाउ एलिसा मीट्स जेम्स. कॉमिक में अलिसा और जेम्स रोड पे मिलते हैं जब जेम्स स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है और अलिसा स्कूल से बाहर आती है, लेकिन शो में जेम्स और अलिसा स्कूल में कैफेटेरिया मिलते हैं जिसके अंदर अलिसा किसी का फोन तोड़ देती है. मेजर चेंज नंबर 2, द मर्डर ऑफ द रेपिस्ट. शो में एक डरा हुआ जेम्स अलिसा के रूम में जाता है ये सोचकर कि वो अलिसा को मार देगा, लेकिन उस रूम में पहले रेपिस्ट आ जाता है जिसकी वजह से जेम्स उठ के रेपिस्ट को ही मार देता है. कॉमिक में दोनों एलिसा और जेम्स को पता चल जाता है कि रेपिस्ट वापस घर आ चुका है और वो आराम से बैठकर प्लान करते हैं कि वो रेपिस्ट को कैसे मारेंगे और अल्टीमेटली जेम्स रेपिस्ट को मार देता है इससे पहले कि वो एलिसा को छू सके. इनफैक्ट जेम्स रेपिस्ट का नाइफ यूज करके ही रेपिस्ट को मारता है. मेजर चेंज नंबर 3, द एंडिंग. शो में जेम्स और एलिसा को फाइनली पुलिस पकड़ लेती है. जेम्स अलिसा को बोलता है कि वहीं रुक जाए और पुलिस को बोल दे कि वो किडनैप हुई थी, जिसकी वजह से उसने जो भी किया वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ जेम्स फंसेगा. जेम्स ये बोलकर भागना शुरू कर देता है. जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि पुलिस उसके पीछे गन ले खड़ी है और एंडिंग में हमें एक ब्लैकआउट स्क्रीन दिखाई देती है विद अ गन शॉट, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि जेम्स आखिर में मरा कि नहीं. लेकिन शो में काफी डिफरेंस है. जब पुलिस अलिसा और जेम्स को पकड़ती है तब पुलिस जेम्स की उंगलियां काट देती है और उसको एक नाइफ से उसकी चीक पर एक कट मार देती है. एंडिंग का पेज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता है जिसके अंदर अलिसा बोलती है आई लव यू और एक गन शॉट की आवाज आती है जिसमें हमें चलता है कि जेम्स मर गया. कॉमिक में एक एक्स्ट्रा फाइनल सीन भी है जिसके अंदर हम अलिसा को एक रूम में बैठे हुए देखते हैं बिल्कुल अकेले, जब वो एक नाइफ को हीट करती है और जेम्स का नाम अपने हाथ पर लिख देती है. मतलब काफी ब्लडी और काफी रोमांटिक एंडिंग फॉर अ वेरी ब्लडी एंड रोमांटिक शो. मतलब वाओ. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय द वीडियो. इफ यू डिड प्लीज हिट दैट थम्स अप बटन एंड शेयर दिस वीडियो. इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइबर देन क्लिक राइट हियर. इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस देन क्लिक राइट हियर. इफ यू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर. फर्दर अपडेट्स आई एम कमिंग वीडियोस, द लिंक्स आर डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज मी मानव भूटानी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.